हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे व्लॉग में। और मैं अभी उठी हूँ, अभी बनाऊँगी बच्चों का टिफ़न। और सुबह के बज चुके हैं 7, अभी बेटा कॉलेज जाएगा। अभी आ गई हूँ किचन में, किचन में देखती हूँ क्या बनाऊंगी। क्या हुआ? सोच रही हूँ क्या बनाऊं। साज खाना बनाने का बड़ा झंझट। अब बनाऊंगी पनीर की शिमला मिर्च की सब्जी फटाफट। ये रहा पनीर। बहुत जल्दी से सब्जी बनानी है, बहुत लेट होगी मैं तो। जल्दी से करती हूँ गैस ऑन। वॉश कर लेती हूँ ये, कर लाई वॉश। अब इसमें डाल दूंगी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, जीरा, कड़ी मिर्ची। शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी बहुत जल्दी बनती है, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सोचा जल्दी जल्दी यही सब्जी बनाती हूँ। अब जल्दी से ये कटिंग कर लेती हूँ। लेट होगी आज टिफिन बनाने में, इसलिए जल्दी 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 मोटे मोटे काटती हूँ। लड़का लेट हो जाएगा बहुत। ये हो गई मिर्च कटिंग।
इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ, जब तक मैं पनीर को कट करती हूँ और उसके बाद आटा गूंथती हूँ। ये मैंने पनीर भी कट कर दिया, अब मेरी सब्जी 5 मिनट में रेडी हो जाएगी। अब मैं गूंथती हूँ फटाफट आटा। आटा मेरा गुन चुका है, अब मैं बनाऊंगी फटाफट रोटी और सब्जी भी मेरी बनने वाली है। सब्जी भी मेरी बनी गई है, बन गई सब्जी। अब मैं जल्दी से तवा रखती हूँ। बना लेती हूँ रोटी फटाफट। रोटी चिपक भी रही है, कढ़ाई की बना देती हूँ पहले। जब तक दही डाल ले खाने के लिए, जल्दी जल्दी बना लेती हूँ रोटी। सब्जी मेरी बन चुकी है एकदम अच्छे से, ये देखो सब्जी बन के रेडी है। प्लेट देख, हाँ सिर्फ त्रिया डाल दो सब्जी, जल्दी देख पड़ी देता ना, ठंडी भी हो जाएगी। चल और डालनी है खाने के लिए, बस अब जल्दी से तेरी रोटी बन गई तो बंद कर देती हूँ गैस को। अब देती हूँ रोटी फटाफट। ये है गाय की रोटी, गाय को दे दूंगी। दो रोटी लेके जाएगा, एक ही। चल अपनी दही डाल ले रोटी तेरी। इसकी बना दी दो रोटी टिफिन के लिए। अब इसको जल्दी से दे देती हूँ खाना।
खाने के लिए। इसमें डालना है काला जीरा, मेरा बेटा इसके ऊपर रोटी के ऊपर सब्जी रखवा के रोल करके लेके जाता है, उसको ऐसे ही अच्छा लगता है। अब इसको ठंडा करके और रोल करके दे दूंगी, जब तक मैं काटती हूँ इसका एक पल, जब तक काटती हूँ एक एक पल। ये बेटे का टिफिन है, इसको एप्पल भी एकदम कड़क वाले चाहिए। अब इसकी रोटी रोल करके रख दूंगी, ठंडी होने दो। मेरा बेटा को तो सब्जी रोटी ऐसे ही पसंद है, ऐसे पकता है रोल करके, इसलिए उसका टिफिन हमेशा मैं ऐसे ही डालती हूँ। ये देखो ऐसे डाल के रोल करके, सब्जी हाथों में नहीं लगनी चाहिए। रोटी को ठंडी करके, सब्जी को ठंडी करके जब डालती हूँ, बस हो गया टिफिन रेडी। अब इसमें नैपकिन अलग से दे रखा है उसको, रेडी हो गया टिफिन मेरे बेटे का। टिफिन हो गया है रेडी, अब देती हूँ बेटा को। ले बेटा टिफिन अपना डालना इसमें। देखो मेरी हालत कैसी हो रही है गर्मी में, गोवा में कुछ ज़्यादा ही गर्मी है सच्ची। अपनी साइड में तो इतनी नहीं है, लेकिन इधर तो आग लगी पड़ी है। अब करती हूँ थोड़ा सा आराम, थक गई बहुत, बहुत काम करा है। सुबह उठ के ऐसी रेल बनती है ना, बस क्या बताऊँ। सुबह उठते ही काम करना पड़ता है फटाफट फटाफट, यार अभी तो झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ पड़ा है। धीरे धीरे करूँगी, 10-11 बजे काम होता है जाके, सारा दिन काम तो ही होए लेडीज को। मैं कहा चलो अच्छा है, मेरा वो लोग भी बन जाएगा और मेरा टिफिन भी रेडी हो जाएगा। करा ना आज बहुत अच्छा काम मैंने, दिखाती हूँ देख घर कैसे फैला पड़ा है। ये देखो कैसे कैसे काम करूंगी, देख देख बच्चों के काम देखो, हर किचन तो बुरा हाल हो रखा है। ये देखो किचन का आज बर्तन भी देख कितने हो रखे हैं, अब इनको धोऊंगी। ये देखो बुरा हाल हो रखा है सारी किचन का, अब जाके संगवाऊंगी सारा। क्या क्या करूं, बाहर बालकनी में आके तो थोड़ी सी राहत मिली है। देखो मेरे घर के पीछे ना बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, मैं तो सुबह आके बालकनी में थोड़ी देर खड़ी हो जाती हूँ, इधर अच्छा मन लगता है मेरा। कोयल बोलती रहती है मीठी मीठी, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के।
ये देखो दिख रही है ना कितनी हरियाली, ये देखो बस इतनी गर्मी हो रखी है कि बारिश आ जाए बस जल्दी से, आग लग रही है पत्ती बुरी तरह से, कुछ करने को मन नहीं करता है, ऐसा मन करता है कि बस बैठ ही रहो सारा दिन फैन के नीचे। अरे भाई जा जल्दी से निकल जा, लेट हो रहा तू, पता नहीं आज तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, आंखें भी ऐसी हो रही, आंखें खुल नहीं रही, ऐसे हो रहा जैसे आंखों के सामने जाड़ा सा आ जाता है ना वैसे हो रखी है मेरी आँख। सुबह सुबह पानी भी बहुत मारा था आंखों में, फिर भी ऐसा मन कर रहा कि सो जाऊंगा वापस, इतनी ज़्यादा थकावट हो रखी है। लेट हो जाएगा फिर तू, कब से टिफिन रेडी कर रखा तेरा बेटा, जाना चल बाय बाय करके आती हूँ इसको, आजा जल्दी। काम वाली आएगी तो इसको उठा देगी, अभी झाड़ देती हूँ इसको थोड़ा सा। पैर पूछने वाले को बिल्कुल नहीं उठाती है, ऐसे मार के चली जाएगी, इसलिए उठा देती हूँ इसको। ऐसे जूते पड़े हैं देखो, अलमारी होने के बाद भी ऐसे पड़े रहेंगे हमारे जूते, रख देती हूँ उठा के। चला जा लिफ्ट को बुलाती हूँ, लिफ्ट बुला देती हूँ इसकी, आजा लिफ्ट आ गई बेटी, आजा आजा जल्दी। अभी जल्दी से आएगा नहीं, भागम भाग रहता है वो, ले ले हेलमेट, आजा आजा जल्दी आके फिर बंद हो गई, देख ले जल्दी आ, मेरे तो घर के सामने ही लिफ्ट है बिल्डिंग में। चलो फिर बाय है, चल बाय बाय, तेरे को नहीं दिखा रही टेंशन मत ले, चल बाय, मैं आप अपना मुंह दिखा रही हूँ। बच्चों को भी ना सोशल मीडिया पे आना नहीं है, ठीक है भाई मत आओ, मैं तो अकेली बहुत हूँ। अब गया बड़े वाला, अब मेरा छोटा बच्चा है, अभी तो वो सो रहा है, आज उसका एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा लेट जाएगा, आज एग्ज़ाम उसका आफ्टरनून में है तो बाद में जाएगा। अब मैं करूँगी किचन का काम, बर्तन धोऊँगी, अब जल्दी जल्दी ना किचन का काम निपटा देती हूँ, बर्तन धोती हूँ फटाफट, बहुत ज़्यादा बर्तन हो रखे हैं, ये देखिए बताओ बर्तनों का तो ढेर है आज, कितने बर्तन हो रखे हैं, फटाफट करती हूँ। ना करो फिर तो इतना जल्दी हो जाएगा काम, फटाफट कर दूंगी। पहले तो इनको जो चादर सुखा, Thank you.
बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाए, फटाफट धो देती हूँ। एक बार लग गई ना बस धोने, अभी तो मैं 10 मिनट में धो दूंगी। बर्तन धो दिए सारे, बर्तनों का काम गया हो। एक निकालूंगी झाड़ू, फिर लगाऊंगी पोचा। ये देखो मेरी किचन हो गई क्लीन, ये देखो सारे बर्तन धो धा दिए मैंने। झाड़ू गई हो अब मारूंगी पोछा, झाड़ू तो होगी।
क्या गर्मी है, पसीना में परेशान। ये देखो बाथरूम, पोचा का काम गया हो अब नहाऊंगी, अब नहा के पूजा करूंगी, फिर खाना बनाऊंगी अपना छोटे का। अब कर लेती हूँ अपने को मैं नहा लेती हूँ, प्रेस गई हो। अब मैं हो चुकी हूँ रेडी बिल्कुल नहा के, अब मैं करूँगी पूजा। अब आ गई हूँ मैं पूजा घर में, पहले तो फूल तोड़ के लाती हूँ थोड़े से बाहर से, पूजा करूँगी तो पहले थोड़ी सी तुलसी तोड़ लेती हूँ। कान्हा जी को और हनुमान जी को भोग लगाऊंगी तुलसी का, और अभी फूल देखती हूँ कोई आया है क्या गार्डन में। देखो मैंने तो पानी भी नहीं डाला है, कई दिन हो गए, दो दिन हो गए पौधों में पानी भी नहीं डाल पाई, आज डाल लूँगी। एक फूल वहाँ पे दिख रहा है मेरे को, जाती हूँ। हाँ ये रहा, एक तो मिला, और बेल पत्तर तोड़ू क्या, शिव जी को चढ़ा दूंगी, एक बेल पत्तर ले लेती हूँ, एक बेल पत्तर का। कैंची लानी चाहिए थी मेरे को, कैंची से थोड़ा सा अच्छे से हो पाता, कितने पता है तोड़ने को मन भी नहीं कर रहा, इतने सुंदर सुंदर आए हुए हैं। ये देख तोड़ लिया मैंने एक, तो अभी मैं फूल भी ले लिया, पत्ते भी ले लिए, अभी मैं बर्तन धोऊंगी। सारी चीजें उठा के पहले पानी डाल के आती हूँ, फूलों में कल चढ़ाया था मैंने, फूल हो रही है।
क्यों भोग लगाया था लेकिन भूल गई थी देना बच्चों को, तो आज अभी दे दूंगी। ये मैं पौधों में डाल के आती हूँ पानी, और ये कल चढ़ाए थे फूल, इनको भी पौधों में डाल के आती हूँ। मैं सारे बर्तन वॉश करके लेके आती हूँ, सारे धो के लाती हूँ पूजा के बर्तन मांझ के, अभी लेके आई। पूजा के बर्तन मैं धो लाई हूँ, और अभी मैं लोटा जल का भी भर लाई, इसमें डाल दूंगी गंगा जल। तो मैं बचा लेती हूँ अपना आसन बैठने के लिए। अपना आसन बिछा लिया, और अभी करूंगी पूजा, थोड़ा सा गंगा जल डालूंगी पानी में। और मैं अपने घर की कैसे पूजा करती हूँ आज आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपने घर की पूजा करती हूँ, देखना बता बता के मैं पूरा। अब मैं पूरे मंदिर को शुद्ध कर दूंगी, गिलास है इसमें मैं पानी और दूध पिलाती हूँ इसको। जो बर्तन वॉश करके लाई थी उनको साफ कर लूंगी, लड्डू को मैं लाऊंगी।
भीतर। मेरा लड्डू ना लिया, कपड़े भी पहन लिए, सुंदरी सुंदर सुंदर सा बन गया अभी। भोग लगाओ भगवान को है गरीब का, भोग लगाओ लड्डू भोग गरीब का, भोग है गरीब का गल है अमीर का, भोग लगाओ भगवान भोग है गरीब का गरीब, भोग लगाओ गणपति भोग है गरीब का, भोग है गरीब का दिल का, भोग लगाओ भगवने भोग गरीब, भोग है दिल है मेरी पूजा भी हो चुकी है और दे देती हूँ मैं तो, करती हूँ भाई ऐसे ही पूजा एकदम सिंपल सी। आप लोग कैसे करते हैं और कुछ कमी लगी हो या कुछ भी लगा हो तो मुझे बता देना, ठीक है। बाकी मैं तो ऐसे ही पूजा करती हूँ, बस भगवान का नाम ऐसे ही लेती हूँ। मन मसर दाउनी चाहिए बस, मेरे मन मसरदा है बहुत। मैंने अपना लड्डू गोपाल रखा हुआ है, बस उसकी सेवा जितनी हो जाती है मेरे से मैं करती हूँ। अब उसको भोग लगा दिया है, दोपहर में चावल वगैरह बनाती हूँ तो उसका भोग लगा दूँगी, शाम को दूध का लगाती हूँ, बस इतना ही करती हूँ। बाकी और कुछ बगैर लहसुन प्याज का बनाया तो उसका लगा देती हूँ। लड्डू को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है, लहसुन प्याज का कुछ भी बनाते हैं तो नहीं लगाते उसको,
एक तुलसी में डाल देती हूँ लोटा जल का। तुलसी में जल से डाल दूँ सूरज को पानी तो बेटा दे जाता है। अब एक हे तुलसी मैया, जय जय तुलसी मैया। तुलसी में भी जल दे दिया है, अब मेरा सारा काम निपट गया पूजा का।